गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल आपको महाभारत कथा के प्रचार प्रसार, उसकी रचना किसने की, उसके बारे में आपको बताया था। अब आगे आपको अगला पाठ शुरू होता है देवव्रत का। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि आप पाठ का नंबर नहीं नाम लिखेंगे, क्योंकि नंबर में बहुत कंफ्यूजन है। कुछ बच्चों के बुक में नंबर दूसरा दिया और दूसरी बुक में दूसरा है, इसलिए आप पाठ के नाम से जानिए। आज हम आपको देवव्रत के बारे में बताएंगे, उसके प्रश्नोत्तर कराएंगे। पाठ हम आपको पढ़ा चुके हैं और नहीं भी पढ़े, अगर आप कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा तो इस समय टीवी में आप इसको देख करके समझ सकते हैं। देवव्रत कौन थे ये भी आप जान चुके होंगे। इस पे प्रश्न हमारे हैं। पहला प्रश्न है, गंगा ने अपने कितने पुत्रों को नदी में प्रवाहित किया? आपको पता ही होगा, नाटक भी देखा है आपने। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर दिया था, यानी कि नदी में बहा दिया था। गंगा के, अब आप आपका दूसरा प्रश्न है, गंगा के 8वें पुत्र का क्या नाम था? तो गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था और वह आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। ये आपका इस पाठ का दूसरा प्रश्न है। अब इस पाठ का तीसरा प्रश्न उत्तर है, देवव्रत ने किससे शिक्षा प्राप्त किया था? देवव्रत ने शिक्षा किससे प्राप्त किया था? देवव्रत ने महर्षि वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही उनका मुकाबला कर सकते थे। ऐसे वो ज्ञानी थे, ऐसे राजनीतिज्ञ थे। अब आपको ये समझ में आएगा। अब आपको फिर से हम ये देवव्रत के बारे में ये बता देते हैं कि जब गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर दिया था, तो जब वो 8वें पुत्र को भी प्रवाहित करने जा रही थी, तब राजा शांतनु ने उनको रोक लिया और कहा कि तुम कैसी निर्मम माँ हो जो अपने पुत्र को नदी में प्रवाहित कर रही हो, और इसको मैं तुम्हें प्रवाहित करने नहीं दूंगा। तब गंगा ने कहा, अब मैं आपके साथ नहीं रुकूंगी। और उस समय वो उस 8वें पुत्र का पालन पोषण कौन करता, तो गंगा उसको अपने साथ लेकर के, गंगा उनको अपने साथ लेकर के चली गई और वहीं उन्होंने उनका पालन पोषण किया, वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। इसी पे आपका ये प्रश्न है कि कितने पुत्रों को नदी में प्रवाहित किया? तो उन्होंने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित किया। उस 8वें पुत्र को जो जीवित बचा था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम देवव्रत था, जो आगे चल के भीष्म के नाम से विख्यात हुए। फिर उन्होंने ये शिक्षा, गंगा ने उनको शिक्षा कहाँ से प्राप्त कराई, कौन इनके ऋषि गुरु थे? तो देवव्रत ने महर्षि वशिष्ठ से ये शिक्षा प्राप्त की थी। और ये शिक्षा का मुकाबला शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इनका मुकाबला कर सकते थे। नेक्स्ट हम अगले बार आपको बताएंगे।